गाइस, अगर आपने लगानी है अपने वीडियो के ऊपर ट्रांसपेरेंट लोगो और वाटरमार्क, तो आपको वेलकम कहता हूँ। अगर लोगो बना हुआ है तो ठीक, वरना आप यूट्यूब कर सकते हो। आउटर डिज़ाइनर लोगो आपको बंडलों में ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपना लोगो बना सकते हो। फिर आपने फोटोशॉप में जाना है, फोटोशॉप में फाइल में जाना है, ओपन करना है उस लोगो वाले फाइल को जिसको हमने बनाया। उसके बाद फिर जाना है फाइल में और न्यू फाइल करना है। न्यू फाइल में हमने 200 बाय 200 पिक्सल का साइज का फाइल रखना है उसका, और बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट रखना जरूरी है, ये ना भूलना दोस्तों। उसके बाद हमने जाना है लोगो वाले एरिया में, सेलेक्ट ऑल करना है उसको, पिक्चर को। फिर जाना है हमने फाइल फोटोशॉप वाले फाइल पे इसको पेस्ट करना है और उसकी एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद जाके क्या करना है, उसके बाद हमने जो बैकग्राउंड एरिया आ रहा है, जो ब्लैकिश है, उसको भी हटाना है, जो ग्रीन आ रहा है उसको भी हटाना है, ठीक है। टूल्स लेके बैकग्राउंड जो ब्लैक आ रहा है उसको हटाना है हमें, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो बीच में जो ग्रीन आ रहा है उसको भी हम हटा देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि आपका फाइल ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको सेव करना है। दोस्तों, सेव करने से पहले यह चीज़ याद रहे कि इसको सेव एज करना है और फाइल टाइप PNG लेना है। PNG एक ऐसा फाइल टाइप है जिसको आप लेते हैं तो उसकी बैकग्राउंड जो है आप ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं। फिर हमने जाना है पेलेमोरा में, क्योंकि मैं पेलेमोरा एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। वो वीडियो लानी है जिसके ऊपर लगाना है। उसके बाद लोगो वाला लाना है। लोगो का देखें बैकग्राउंड में ब्लैक आ रहा है PNG की वजह से। फिर हमने क्या करना है, रखना है वीडियो को, ठीक है। फिर लोगो को दूसरे टाइम पर लाइन पर रखना है और उसके बाद जा करके हमने क्या करना है, अपना लोगो जो है एडजस्ट करना है वीडियो के ऊपर कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह करने के बाद फिर हमने इसको ट्रैक करके ऐसे करके वीडियो फ्रेम के ऊपर बराबर रखना है। उसके बाद दोबारा से हम रखते हैं, क्योंकि हम इसी को रखना चाह रहे हैं कि बीच में हमारा जो वाटर मार्क है वो आ जाए, वो ये लोगो ही हो। तो हमने लोगो रखा और इसको हमने क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर हमारे ऊपर हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर, देखें यहाँ पर कंपोजिंग का, ठीक है। तो इसको हम बराबर के निशान को टिक करते हैं और ब्लेंडिंग जो मोड है इसकी ब्लेंडिंग ओपेसिटी एडजस्ट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। हम करते जा रहे हैं और ये डिम होता चला जा रहा है, जहाँ तक आपको मुनासिब लगे उतना ही तक रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको ड्रैग करके जो जितनी टाइमलाइन है उधर तक लेके जाना है, ठीक है। फिर इतना तक तो आपका काम रेडी हो गया। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को ज़रा चलाना के देखना कि कैसा लग रहा है, ठीक है। जैसे ही हम चला रहे हैं देखें यहाँ पे ये हमारा वाटरमार्क आ रहा है और लोगो भी आ रहा है। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आ गया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।